अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए आई हूँ इन शॉर्ट ऐप में एडिटिंग का तरीका। ठीक है, आज मैं आपको ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की एडिटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारे पास इन शॉर्ट ऐप है, ये देखें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ये वीडियो है, फ़ोटोज़ है, ये एडिटिंग के लिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम फोटो एडिट करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैंने गूगल से कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्स निकाल के रखी हुई हैं ओरिफ्लेम की, तो मैं आज आपको इसमें दिखाऊंगी। ये देखें, ये हम करते हैं, ये करते हैं। ये है लव नेचर का शैम्पू है और ये फॉर ऑल हेयर टाइप है। ठीक है, तो हम इसकी एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है 2% ऑफ, तो हमने इसको भी लिखना है और इसकी हेडिंग भी देनी है और इसके प्राइस भी बताने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इसको एडिटिंग करने का तरीका बताऊँगी कि आप इसको कैसे एडिट करके व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगा सकती हैं, पोस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो देखें, ये नीचे जो हमारे पास है इनमें से हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखें जी, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, ये क्रॉप, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ गया, ये क्रॉप। हम इसे क्रॉप करेंगे। हमें जो चीज़ चाहिए हमने बस उतनी ही क्रॉप करनी है, हमने सिर्फ शैम्पू की पिक क्रॉप कर लेनी है। ये देखें, ये हमने इसको क्रॉप कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे और ये देखें, ये हम इसको इधर उधर जहाँ मर्ज़ी हम इसको कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम इसको एक साइड पर करेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमने डेडलाइन देनी है ना, वो हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, जो डेडलाइन हो वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो हम रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम रमज़ान बजट ऑफ़र लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेशल ऑफ़र फॉर रमज़ान। ठीक है, ये आ गया स्पेशल ऑफ़र फॉर रमज़ान। तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, ये सारा वाइट है तो ये राइटिंग भी वाइट है। अब हम इसको कलर करेंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम कलर बॉक्स में आएंगे, हम इसको कलर करेंगे, टेक्सचर को पहले कलर करेंगे। हम इसको रेड कर देते हैं, रेड। ठीक है, रेड करके तो हम इसको शेडो देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हल्का सा शेडो देंगे। ठीक है, और नीचे रहने देते हैं बस थोड़ा सा, बस। ठीक है, इतना सा हम इसको शेडो देंगे और जी थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, बस इतना। ठीक है, ठीक है, और लेबल का कलर हम करेंगे, लेबल का कलर हम करेंगे येलो कर देते हैं। लेबल का कलर लाइट करेंगे, तो हेडिंग का कलर डार्क करेंगे। अगर हेडिंग का कलर हम लाइट करेंगे तो लेबल को हम डेफिनेटली डार्क करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये जितने भी कलर हैं आप कर सकते हैं लेबल को। ये देखें लेबल का कलर रेड करें अगर हम, और टेक्सचर का कलर हम लाइट कर दें, जैसे कि रेड के ऊपर क्या ज़्यादा नज़र आएगा, रेड के ऊपर येलो कर देते हैं, येलो। ठीक है, ये येलो। ठीक है, या फिर ये वाइट टाइप ऑफ वाइट, ये भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आगे है बॉर्डर। बॉर्डर को हम कलर करेंगे जी रेड के साथ, जो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगे वो कर देते हैं। येलो हो गया, येलो बॉर्डर हो गया। बॉर्डर को हम थोड़ा सा कैपेसिटी इसकी बढ़ा के, ठीक है, ये देखें जी, ये ठीक लग रहा है, ये बारीक हो गया और ये थोड़ा सा जूम हो रहा है। ये देखें जी, ये यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, आगे है ओपेसिटी, इसको छोड़ें आप। और ये देखें जी, अब हमें टेक्सचर को चेंज करना है, स्टाइल, ये सारे स्टाइल है जो स्टाइल आप लगा सकें, लेकिन हमें बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल रखना है, कोई इसमें ये स्टाइल नहीं लगाने जो कि कस्टमर को समझ ना आए। ठीक है, ये करके देखते हैं जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये और ये, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है लेकिन ये ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया स्पेशल ऑफ़र फॉर रमज़ान, ये हो गया। अच्छा जी, अब ये है, इसको आप जितना जूम करना चाहें उतना जूम कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जूम चाहिए नहीं, हमें इसको यहाँ पर सबसे ऊपर लगाना है यहाँ पर। ठीक है, और इधर से ऐसे जैसे वो कह रहे हैं जैसे जूम करना हो कर सकते हैं, और ये ऊपर से, ये वाला ऊपर से नीचे होगा, ये वाला साइड से होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2% ऑफ। ठीक है, अब हमने अगला लगाना है, ओ ये तो हो गया स्पेशल ऑफर ऑफ रमज़ान, ये हो गया। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा डेडलाइन हमारी हो गई कंप्लीट। अच्छा जी, अब हमने दोबारा लिखना है, तो हम फिर टेक्स्ट को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2% ऑफ टू
50% ऑफ, ठीक है, ये हो गया 2% ऑफ। इसको भी हम उसी सारे कलर में रेड और येलो में रखेंगे क्योंकि ये उसके साथ ही होगा, तो इसको हम थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे रख के तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, अब हमने इसका नेम लिखना है, प्रोडक्ट का नेम है लव नेचर शैम्पू फॉर ऑल हेयर, ठीक है। तो हमने अब लिखना है शैम्पू का नेम, लव नेचर शैम्पू फॉर ऑल हेयर, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम पहले सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, लव नेचर शैम्पू, बस ऐसे तो ज़्यादा लंबा हो गया ना, पहले ये लिखेंगे अकेला। तो अब हम इसको भी कलर चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें आप, ये देखिए इसका कलर चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेक्सचर का कलर। हम कर देते हैं जी क्या, कौन सा कलर करें, बहुत सारे कलर हैं आपके पास, आप जो चाहे कलर कर सकते हैं। हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये भी प्यारा लग रहा है। ब्लू और बॉर्डर को हम कर देते हैं थोड़ा सा येलो, येलो तो है ही, ठीक है, ब्लू और येलो कंट्रास्ट बहुत 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 अच्छा लगता है। अच्छा जी, लेबल चेंज कर देते हैं, लेबल का कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा लाइट, ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है, या फिर ये कर देते हैं, ये सही है, ये नहीं वो कहाँ गया, कौन सा गया था, ये सही है बस, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। अब हमने इसको इसके नीचे रखना है, इसको थोड़ी सी इसकी और छोटी करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया लव नेचर शैम्पू। अब हमने लिखना है फॉर ऑल हेयर, ठीक है, फॉर ऑल हेयर। अब हम दोबारा टेक्सचर में जाएंगे, लिखेंगे फॉर ऑल हेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको बिल्कुल उसी में कर देंगे जो पहले लिखी है, क्योंकि ये शैम्पू और फॉर ऑल हेयर दोनों एक ही कलर और एक ही टेक्सचर में हो जाएगा ना, इसका थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये सही है, यही सही है, ये सही है फॉर ऑल हेयर, या फिर ये एंड ये सही है बस, ये हो गया, ये हमने इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा फोन कर देते हैं, ये हो गया जी 2% ऑफ, स्पेशल ऑफर ऑफ रमज़ान। आगे शैम्पू का नेम है लव नेचर शैम्पू, प्रोडक्ट्स का नेम है। अच्छा जी, आगे है फॉर ऑल हेयर टाइप, ठीक है, ये फॉर ऑल हेयर के लिए है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसके थोड़ा सा बेनिफिट लिख देंगे, तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड लुकिंग शाइनी लिख लेते हैं, ठीक है, लुकिंग शाइनियर, ठीक है, ये हमने लिख दिया फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड लुकिंग शाइनियर, ये हो गया। अब हम इसके साथ छोटा करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे और ये देखें जी, ये नीचे है ये वाला जो है ना, ये इसमें से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये ज़्यादा बेहतर है, नहीं ये इसमें से तो कोई भी इतना वो नहीं हो रहा, ये सही है, लेकिन अंदर कलर है ना थोड़ा, इसको बोल्ड कर देते हैं राइटिंग को, देखते हैं थोड़ा बोल्ड टाइप कौन सी होगी, ये नहीं, ये वाली अगर हम करेंगे ना स्टाइल तो फिर कस्टमर को समझ नहीं आएगी, इजी टू वे हो जो मतलब पढ़े और बिल्कुल उसको समझ आ जाए, ये इसमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं, ये वाला लगा देते हैं इस बार, नहीं ये पहले लगा चुके हैं हम, ये लगा देते हैं, ये सही है, ये लगाते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा हमने बोल्ड करना था, ये रहा शेडो लगाएंगे, इसमें शेडो आएगा क्योंकि ये ब्लैक कलर है,
अच्छा अच्छा ये ब्लर वाला है, चलें ठीक है, इसको हम ज़रा बोल्ड कर देते हैं। ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम रखेंगे 50 पे, देखते हैं कैसा होगा। हाँ नहीं, ये यहाँ पे ठीक है, 12 पे या 10 पे, 10 पे ठीक है, बस ये ठीक है, 10 पे, 10 पे ठीक है ये बिल्कुल। अच्छा जी हो गया, और इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये ब्लैक और ये वाइट तो मुझे कुछ लग नहीं रहा सही, टेक्सचर का कलर। अच्छा आपने जो पीछे बैकग्राउंड है ना, ये वाइट ही लेना है, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि अगर बैकग्राउंड का कलर डार्क हो जाएगा तो फिर जो सारा लेबल हमने किया डेडलाइन और ETC वो फिर सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा ब्लैक के साथ कौन सा कंट्रास्ट हो सकता है, ब्लैक के साथ या फिर हम इसको लेबल को चेंज कर देते हैं, लेबल को येलो नहीं, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये वाला कलर सही है लेबल के लिए, ये आ गया। अच्छा जी अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। अब हमने नीचे इसके प्राइस देखने हैं, अब हमें इसकी प्राइस देखनी है कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा टेक्सचर में जाएंगे और इसकी प्राइस लिखेंगे, प्राइस के लिए हम लिखेंगे RSR.S स्पेस और इसकी प्राइस है 921, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। प्राइस ये देखिए, अगर हम इसके दरमियान में स्लैश डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको जुड़ गया, अच्छा ये है इसकी प्राइस 921। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारी हो गई एडिटिंग कंप्लीट। ये और नीचे छोटा सा हल्का सा हम, आप हमेशा जब भी लेबल करें या प्रोडक्ट्स को एडिटिंग करें तो आप नीचे अपनी आईडी का नेम ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि पता चले कि आपने किया है, आपकी मतलब अपनी मेहनत है और आपका नेम आगे जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैं अपना लिखूँगी अना ब्यूटी फ्लेम, ठीक है, आप जो आपकी आईडी होगी आप वो लिखेंगे, ठीक है, मैं लिखती हूँ अना ब्यूटी फ्लेम, ठीक है। और इसको मैं चेंज करूँगी कलर को, टेक्सचर लेबल को मैं करूँगी ब्लू, ये ब्लू और ये अंदर वाइट ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये मेरा आईडी है अना ब्यूटी फ्लेम। आप अपनी आईडी लिखा करें, आप लाजमी मस्ट जब भी बनाएं एडिटिंग करें तो आप अपना लाजमी इस तरीके से अपनी आईडी मेंशन किया करें, ठीक है, ताकि पता चले भाई इस बंदी की अपनी मेहनत है, किसी का इसने चुराया नहीं है। ये देखिए जी, ये आ गया, ओहो सॉरी इसको ना लगाएं, ये आ गया यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा साइड पर करके यहाँ पर करके लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया अना ब्यूटी फ्लेम, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं मस्ट ट्राई, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो तो आपको मज़ीद उसको बनाने के लिए उसको नीचे लिख सकते हैं मस्ट ट्राई, ठीक है। ये हो गया जी एडिटिंग, तो ये आपके पास सेव का बटन है, ये ना सेव का बटन, तो आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे, तो ये जी नॉट रियली, ये हो गया सेव, ठीक है, ये देखें जी ये सेव हो गया, ये हमारी एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है, ये देखें कितनी प्यारी हुई है, आपकी अपनी बनाई हुई एडिटिंग है। आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, ताकि सबको आप कस्टमर को हायर कर सकें इससे, ठीक है। इसी तरीके से आप गूगल से प्रोडक्ट्स निकालें, पिक्स निकालें और उसकी एडिटिंग करें, एडिटिंग करने के बाद फिर उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और नीचे अपनी आईडी मेंशन करें, ताकि आपका नेम सबको पता चले, आपकी आईडी शो हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी, मज़ीद अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।